तीन दिन कंटिन्यू से स्ट्राइक चल रही है। पहले दिन पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज करी, दूसरे दिन पानी के बौछारे करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं आपके साथ मनीष। राजस्थान में डॉक्टर और सरकार के बीच में खींचतान हो रही है और इस खींचतान का असर इस जो खींचतान चल रही है इसे भुगतना पड़ रहा है आम मरीजों को, जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे, उन्हें यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है और वहाँ से वापस मायूस होकर लौट रहे हैं और अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। उनके जितने भी ऑपरेशन होने हैं वो सभी नहीं हो पा रहे हैं। तो आज हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, इस पर हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्यों इनको जो ये बिल आया है, जो विधानसभा में भी पास हो चुका है और स्वास्थ्य मंत्री जो प्रसादी लाल मीणा है, उनका कहना है कि इस बिल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने पहले बात कर ली थी डॉक्टर से, जितनी उनकी मांगे थी वो सब उन्हें पूरी कर ली, लेकिन अब डॉक्टर इस बिल को पूरी तरह से वापस लेने की बात कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब डॉक्टर से बात करेंगे, वो बड़े अच्छे से इस पर बात बता पाएंगे, रख पाएंगे अपनी। तो क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर रितु। तो आपको क्या प्रॉब्लम है इस बिल के अंदर? इसमें इन्होंने बताया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो कोई भी इमरजेंसी में इलाज करें एकदम, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट को करना है, गवर्नमेंट अपना कुछ हेल्थ का बजट लाए, उसको फंडिंग करे, उसके हिसाब से पब्लिक को करे। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर अपना एक अस्पताल चलाना है तो उनको स्टाफ होता है, वहाँ के प्रोटोकॉल्स होते हैं, पेशेंट का केयर होती है, उस तरह से पॉसिबल नहीं है अगर वो फ्री इलाज देने लग जाएंगे। इससे एक सुविधा जो मिली हुई है अच्छे अस्पताल की वो गिरेगी और इसमें आम आदमी का भी नुकसान ही। तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं कि इस बिल को पूरी तरह से या तो वापस ले ले या इसमें से कुछ काम करे डॉक्टर्स, कुछ आपसी जो बैठ कर बात करे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और किसको दूर करना चाहिए, क्या इसका क्या रहेगा, सॉल्यूशन क्या रहेगा? अभी तो हमारा स्टैंड नो टू आरटीएच है, अभी तक तो अभी यही है कि हम बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इट्स नो टू आरटीएच। तो जो सरकार है उसका कहना है कि इसे जो प्राइवेट अस्पताल वाले मनमानी करते हैं वो नहीं हो पाएगी और आम जनता को अधिकार है स्वास्थ्य के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए। तो क्या आपका क्या मानना है इस पर? नहीं, कोई मनमानी नहीं है। क्या मनमानी होती है? हाँ, पेशेंट आता है, उसका इलाज होता है, उसको सुविधा मिलती है, साफ़ सुथरा हॉस्पिटल होता है। ये तो सरकार अपनी नाकामी हम पे थोप रही है, उनको अपना सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए। इसकी बजाय वो हमें कह रहे हैं कि हम फ्री सर्विसेज दें और हमारे प्रोटेक्शन का क्या? डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए तो वो कुछ भी नहीं कर रहे, कोई एक्ट नहीं है, बल्कि उन्होंने जनप्रतिनिधि और बाकी लोग भी हमारे अगेंस्ट बोल सकते हैं, ये तो गलत है। आपको बता दें कि कल यानी कि सीकर के अंदर एक बच्चे की, 4 महीने के बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसका पिता उसे जनाना अस्पताल में लेके जाता है सीकर के, और वहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसे जयपुर ले जाइए। जब पिता एम्बुलेंस को बुलाता है, सरकारी एम्बुलेंस को, कहता है कि मुझे आप जयपुर लेके चलो, तो वो मना कर देता है, तो दूसरी एम्बुलेंस में उनको ले जाया जाता है जहाँ पर जिसके अंदर आईसीयू नहीं रहता है। तो उस बच्चे को यहाँ जयपुर लाया जाता है, तो उस दौरान जयपुर में यहाँ जो एसएमएस के पास में जेके लोन अस्पताल है बच्चों का, वहाँ पर जब पहुँचता है तो एम्बुलेंस का जो कर्मी है वो बताता है कि आपके बच्चे की सांसें थम चुकी है। तो इसमें आम लोगों को प्रॉब्लम हो रही, एक बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, एक बच्चे की जान चली गई। तो इसमें सरकार और डॉक्टर जो खींचतान हो रही है, इसमें मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, जो आम जन है उसमें उनको भुगतना पड़ रहा है। तो अब देखते हैं कि कब तक सरकार इस पर कुछ एक्शन लेती है, डॉक्टर की और सरकार के बीच में क्या राय होती है, क्या डिसीजन होता है और आम लोगों को कितने समय तक तकलीफ से भुगतना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम फिर आपको बिल के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हो? देखो, एक्चुअली में क्या है कि जो राजस्थान सरकार ने जो ये बिल जारी किया है, इसको लेकर राजस्थान सरकार ने ये बोला है कि इमरजेंसी के सब पेशेंटों को देखो। ठीक है, हम पेशेंट तो वैसे भी देख रहे हैं, जैसे भामाशाह हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मेडिक्लेम के जितने भी पेशेंट हैं हम लीगल तौर पे उनको देख ही रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि सबको फ्री करो तो ये चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाएगी। ठीक है, आज जैसे अपन 5 स्टार होटल में घुस गए, उसमें बिना खाना खाया अपन ने, ठीक है, अगर पेमेंट नहीं देंगे तो किसी तरह से लीगल नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो उसी चीज़ को अगर मद्देनजर रखते हुए अगर अपन देखते हैं तो अगर ये होना चाहिए तो फिर एक काम करो कि जितने भी मेडिकल लाइन के स्टाफ हैं, ठीक है, तो उनके लिए इमरजेंसी चीज़ लागू कर दो कि वो किसी भी शोरूम में गए, किसी कहीं से भी कपड़ा ले लिया, कहीं से भी परचून का सामान ले लिया, फ्री कर दो उनको, क्योंकि इमरजेंसी सब इमरजेंसी चीज़ है। ठीक है, आज हर एक स्टाफ की मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, उनको फ्री कर दो, क्या दिक्कत है हमारे को? कोई दिक्कत नहीं है। पर सरकार तो आपको पैसे दे रही है ना, किसी का इलाज होता है तो चिरंजीवी योजना है, उसके तहत कोई ऑपरेशन करवाता है तो जो आता है उस क्राइटेरिया में उस आता है, उस श्रेणी में आता है, तो वो अगर इलाज करवाता आपके हॉस्पिटल में
तो उसको आपको पैसे मिल जाते हैं, चाहे 10 लाख का हो, अब बढ़ा भी दिया है गवर्नमेंट ने चिरंजीवी योजना का, 10 लाख से 25 लाख कर दिया है, तो वो तो आपको मिलता ही है। नहीं, अगर देखा जाए तो चिरंजीवी का पेमेंट आता है, ठीक है, एक तो पेमेंट पेंडिंग होकर आता है, ठीक है, काफ़ी टाइम लग जाता है उस प्रोसेस को, और दूसरी चीज अगर ये गवर्नमेंट ये बिल लागू कर रही है तो आज गवर्नमेंट ने चिरंजीवी है, ठीक है, चिरंजीवी के अंदर सीजेरियन है, डिलीवरी है, उसको एड क्यों नहीं कर रखा, डिलीवरी इमरजेंसी केस में क्यों ऐड नहीं कर रखा उसको, ठीक है, स्टोन का केस है उसको ऐड कर रखा है, डिलीवरी को नहीं कर रखा, क्यों नहीं ऐड कर रखा, ठीक है, ये चीज़ है कि इमरजेंसी चीज़ तो बहुत सारी है, इमरजेंसी अगर किसी का हेडेक भी है तो भी इमरजेंसी है वो, तो या तो क्राइटेरिया दे किसी भी चीज़ का इमरजेंसी है। तो आप क्या चाहते हो कि सरकार इससे बात करे हमारे साथ, उसमें कुछ जिन जिन पर आपको प्रॉब्लम है उसे हटाए, उस पर अच्छे से नीति अच्छे से बनाए, या फिर आप इसको पूरी तरह से फिर लेने की बात क्यों कर रहे हो? या तो ये है कि गवर्नमेंट बैठ के, ठीक है, जो भी हमारे सीनियर्स डॉक्टर है, जो हमारी कोर कमेटी है, उनके साथ में बैठक करे, बैठक के अंदर जो निर्णय लिया जाएगा कोर कमेटी का वो सर्वमान्य होगा। बैठक की थी ना आपके साथ, शायद मेरे ख्याल समिति के साथ बैठक की थी, डॉक्टर राजी भी हो गए थे कि हाँ इन चीज़ में, उस चीज़ में कोई हमारे साथ में कोई बैठक नहीं गई। 3 दिन कंटिन्यू से स्ट्राइक चल रही है, पहले दिन पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज करी, दूसरे दिन पानी की बौछारें करी, ठीक है, उनको अगर ये लगता है कि लाठीचार्ज से पानी की बौछार से ये चीज़ दब जाएगी तो ये चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाएगी। तो आप जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगी तब तक आप प्रदर्शन करते रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक आज 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं उसी। आम लोगों का क्या होगा, जो आम मरीज आते हैं, जिनके ऑपरेशन टल रहे हैं, जो ऑपरेशन नहीं करा पा रहे, यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी पूरी राजस्थान सरकार लेगी। राजस्थान सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल रखे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होगा, क्या दिक्कत है? पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मेरे ख्याल से OPD बंद कर रखी थी। नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार जैसे आदेश जारी करेगी वो तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, राजस्थान सरकार के अंदर ही तो आते हैं वो हॉस्पिटल, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, वो राजस्थान सरकार भुगतेगी। का कहना है कि राजस्थान सरकार जब तक ये बिल वापस नहीं लेगी तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्यों आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है? सरकार अब बिल पास कर लिया है, तमाम विरोध चल रहे थे, लेकिन स्टेचू सर्किट पे विरोध किया जा रहा था, उस समय उसी दिन शाम को विधानसभा में बिल पास हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या रंग लेता है। देखते रहिए अफेक्ट इंडिया में, हूँ आपके साथ मनीष।